एरबिक और एनरबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस। द कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज आई हैव टोल्ड यू इज ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है बेटा। कहां पर टूटेगा ये, साइटोप्लाज्म में टूटेगा। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं घुसेगा, ध्यान रखना। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटेगा और ग्लूकोज से बनेगा पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड, समझे ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। देखो कौन कोई प्रोसेस कहां होगा ये डिपेंड करेगा एंजाइम्स के ऊपर। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो साइटोप्लाज्म के पास है, दैट इज व्हाई ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू फॉर पाइरूविक एसिड। एक ग्लूकोज टूटेगा, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटेगा तो टू मॉलिक्यूल्स पाइरूविक एसिड बनेगी, टू मॉलिक्यूल्स। पाइरूविक एसिड में थ्री कार्बन होता है, ग्लूकोज में आप जानते हैं सिक्स कार्बन होता है। तो सिक्स कार्बन का कंपाउंड जब टूटेगा थ्री कार्बन कंपाउंड बनाएगा तो दो मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब क्या होगा देखो, ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एफिशिएंट टू परफॉर्म एरबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तब एरबिक रेस्पिरेशन होगा या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो कॉमन है, ये सभी जीव में होगा, वेदर एरबिक और एनएरोबिक सब में होगा। अब क्या होगा, पाइरूविक एसिड जो है उसका दो बात हो सकता है, दो बातें हो सकती है। क्या दो बातें हो सकती है कि या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, समझे ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाएगा जब उसके पास ऑक्सीजन है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन भी चाहिए। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूविक एसिड इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस पाइरूविक एसिड इज ब्रोकन डाउन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, पाइरूविक एसिड इज ब्रोकन डाउन बाय ए साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड क्रेव्स साइकिल। यहां पर ये टूटेगा, पाइरूविक एसिड टूटेगा और बनेगा क्या, आपको बता दिया था, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बनेगा वाटर और बनेंगे एटीपी। कितना एटीपी बनेगा मैं बता दिया था आपको। तो दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड टूटेगा तब 36 एटीपी बनेगा, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 35 एटीपी, 18 एटीपी रिलीज होगा, समझे ना। तो एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड बना और दोनों मॉलिक्यूल्स जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा वहां ऑक्सीजन यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा और एटीपी बनेगा, राइट। 36 और 38 एटीपी बनेगा दो पाइरूविक एसिड से। दिस रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एरोबिक। इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अवेलेबल, दोनों चाहिए, दोनों में से एक के रहने से काम नहीं चलेगा, इट मींस
पाइरुविक एसिड विल रिमेन इन साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और साइटोप्लाज्म में ही इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। तो दो बातें हो सकती है, साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में दो बातें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम्स। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट एंजाइम्स, राइट। तो मान लो ईस्ट है, ईस्ट आप लोग पढ़ेंगे, एक फंगस है, कौन ईस्ट, एग्जाम्पल हम लेते हैं ईस्ट का, राइट। उसमें क्या होगा, पाइरुविक एसिड टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल और एटीपी बनेगा। एटीपी तो दो ही बनेगा, आपको बता दिया था पहले। तो इसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में टूटेगा, बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल, एनर्जी इज रिलीज्ड। सो होल प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन एनर्जिक रेस्पिरेशन, एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल बन रहा है ना, तो उसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि अल्कोहल बनाने वाला एंजाइम है साइटोप्लाज्म के पास। यदि साइटोप्लाज्म के पास लैक्टिक एसिड बनाने वाला एंजाइम है तो पाइरुविक एसिड टूटेगा, कन्वर्ट होगा, पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और प्लस एटीपी बनेगा। समझे, एटीपी बनेगा। तो ये जो अभी मैंने एटीपी आपको कहा, ये एटीपी मैंने इस प्रोसेस में दिखाया कि एनर्जी प्रोसेस में भी एटीपी बनता है, लेकिन ये एटीपी बना कहां, ठीक है। चलिए इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी करेंगे, क्योंकि टेंथ वाले का क्लास का टाइम हो गया है, तो फिर हम इसको एक बार देख लेंगे।